और कोरोना काल में बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। अब शाही लीची जीआई टैग के साथ मिलेगी, इससे ग्राहक शाही लीची के नाम पर ठगे नहीं जाएंगे। सबको पता है कि बाजारों में बिकने वाली हर लीची शाही लीची नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर के शाही लीची के नाम पर ग्राहकों को ठगा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाही लीची अब जीआई टैग के साथ मिलेगी। हम लोगों का इस बार प्लान है कि करीब 15 टन का ट्रीटमेंट करके हम अपने जो अपनी व्यवस्था है उसके तहत उसको रख के और देखेंगे कि कहां तक जो है उसका 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन कहां तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। शाही लीची अब अपनी पहचान के साथ बाजार में होगी। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को जीआई टैग मिला। शाही लीची का जीआई नंबर 552 होगा। लीची को 45 से 50 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। 2.5 सालों के जांच पड़ताल में संतुष्ट होने के बाद शाही लीची को जीआई टैग यानी भौगोलिक और प्रदर्शन रजिस्ट्री टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से शाही लीची की बिक्री में नकल या गड़बड़ी की आशंकाएं काफी कम हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के किसान ही शाही लीची के उत्पादन का दावा कर सकेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।